जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी झारखंड पुलिस में वैकेंसी निकल के आ चुका है, लेकिन दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि सर इसका फिजिकल आखिर कहां पर होगा, फिजिकल इसका कब होगा, अभी मेरे पास फिजिकल के लिए कितना टाइम बचा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो नया सिलेबस चेंज हुआ है, बदला हुआ सिलेबस का नया पैटर्न आखिर क्या है, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हम फिजिकल के बारे में और सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और झारखंड पुलिस में इस बार एक सीट अपना पक्का कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 8 साल के बाद वैकेंसी निकल के आया है, तो ऐसा गोल्डन मौका दोबारा कब मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन आपको एकदम जी जान लगा देना है और तैयारी में जुट जाना है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, झारखंड पुलिस नया भर्ती 2024 के बारे में। टोटल नंबर जो सीट अभी फिलहाल वर्तमान में आपके पास है वो है 4919 पदों पर वैकेंसी ये ऑनलाइन चालू होगा। कब से होगा हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए टोटल सीट इतना है, ठीक है। योग्यता का बात कर लेंगे दोस्तों तो साधारण सा 10th पास, ये 10th लेवल का जॉब है, ठीक है, 10th लेवल का वैकेंसी है। किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का जरूरत नहीं पड़ेगा, कितनों भी परसेंटेज है भर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे ना कि दूसरे राज्य के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो जी बिल्कुल भर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके विज्ञापन में लिखा है कि भारत के नागरिकों से आवेदन मांगा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि यदि आप झारखंड के होंगे तो आपको कैटेगरी का आरक्षण मिलेगा, और दूसरे राज्य के होंगे तो आप सामान्य श्रेणी में आओगे, जनरल स्टूडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उम्र सीमा देखिए दोस्तों, 1 अगस्त 2019 को अधिकतम उम्र गिनती करेगा और 1 अगस्त 2023 को मिनिमम उम्र गिनती करेगा, ठीक है। यानी 1 अगस्त 2023 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है, मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है, क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं चेक करके बताइए। तो दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, आप ये देखो कि 1 अगस्त 2023 को आपका 18 हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। 18 हुआ है तो भर सकते हो। और अधिकतम जो उम्र देखेगा दोस्तों, अभी आपका उम्र कितना हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, आपका उम्र 2019 में और 2023 में कितना हुआ है ये देखा जाएगा। 1 अगस्त 2019 तक दोस्तों आपका 18 से 25 साल यहां पर एज मांगा है जनरल वालों का, ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो जो BC1 और BC2 स्टूडेंट है उनको 2 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप महिला हैं, सभी फीमेल को 3 साल छूट मिल जाएगा, और यदि आप SC ST हैं दोस्तों तो आपको 5 साल का इस पे अच्छा खासा छूट देखने को मिल रहा है, तो काफी बढ़िया बात है, ठीक है। अब अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका 200 रुपया पैसा मांगेगा, और SC ST का 250 रुपए इस पे पेमेंट मांगा गया है, तो कोई बड़ा पैसा दोस्तों नहीं मांगा है, 150 मांगा है तो भर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब दोस्तों जो सबसे जरूरी चीज है वो है अप्लाई डेट, तो ध्यान दीजिएगा अप्लाई डेट को नोट कीजिए दोस्तों, 15 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, 15 जनवरी 2024 से, ठीक है। लास्ट डेट है 14 फरवरी 2024 तक, ठीक है दोस्तों। और करेक्शन भी इस पे आप कर सकते हैं, यदि फॉर्म भरने में मानते हैं कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि आधार नंबर आपका कुछ है, एक अंक कुछ गलती भरा गया, तो आप उसको सुधार सकते हैं, नाम में कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उसको सुधार सकते हैं, सुधारने का भी अलग से ये टाइम देंगे, 20 से 22 फरवरी तक आप इस पे करेक्शन कर पाओगे। यदि फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है ना तो घबराने का जरूरत नहीं है, लेकिन गड़बड़ मत करना, ठीक है, एकदम बढ़िया से साफ सुथरा फॉर्म भरिएगा, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस समझिए दोस्तों, इस बार जो है इन्होंने पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्टेप है दोस्तों वो है मेडिकल टेस्ट, चिकित्सकीय जांच होगा, इसके बाद दोस्तों रिटर्न टेस्ट आपका यहां पर होगा। तो दोस्तों आपके पास काफी बढ़िया मौका है, क्योंकि अधिक से अधिक स्टूडेंट दोस्तों इन दोनों में बहुत स्टूडेंट छटा जाएगा, ठीक है, आपका कंपटीशन यहां पर काफी कम हो जाएगा। विद्यार्थी मानते हैं यदि पहले एग्जाम होता तो सोचो, यदि मानते हैं कि 10 लाख फॉर्म फिलअप होगा तो 10 लाख का 10 लाख मानते हैं एग्जाम दे देता, कुछ एबसेंट होता लेकिन अधिकतम तो एग्जाम में बैठ जाता, तो वहां पर आपका कट ऑफ दिक्कत हो जाता। लेकिन दोस्तों पहले दौड़ हो रहा है,
तो इस पे क्या होगा कि एग्जाम में लगभग आधा स्टूडेंट बैठेगा, आधा तो दौड़ में ही छांटा जाएगा, किसी का हाइट में छांट देगा, किसी को रनिंग में छांट देगा, किसी का चेस्ट नहीं होगा, कोई मेडिकली अनफिट होगा, तो बहुत तरह का चीज़ है। तो आपको यदि सब तरह से दोस्तों आपका सारा चीज़ ठीक ठाक है तो इस बार आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपको एकदम 100% तैयारी में जोर देना है। तो ये है दोस्तों इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया, 3 स्टेप में आपका ज्वाइनिंग इस पर हो जाएगा, झारखंड पुलिस में आप जिला पुलिस बन जाइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, फिजिकल योग्यता इस पे क्या है, इसके बाद हम नया सिलेबस के बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इधर है मेल और इधर है दोस्तों फीमेल। देखिए दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, भले वो रेलवे है, बैंकिंग है, पुलिस है, जीडी है, एसएससी है, कोई भी है, उसमें दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रहे हैं जिसपे आप पूरे 3 महीने फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का दोस्तों नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, जैसा कि आपको दोस्तों यहां पर दिख रहा है स्क्रीन में, देखिए आपको यहां भी हम दिखा रहे हैं। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे देंगे। यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है, ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और यहां पर आपको बहुत तरह का टेस्ट देखने को मिलेगा। देखिए तो आपको जो भी टेस्ट देना है, जैसे कि मानते हैं मुझे SSGD का देना है तो SSGD में हम सिलेक्ट कर देंगे। तो इस टेस्ट को दोस्तों फ्री में देने के लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा जो कि है SJF टेस्ट, यहां पर देख सकते हैं येलो कलर में जो लिखा हुआ है, ये दोस्तों आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना होगा। तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर लिख रहा है कि गेट अ कूपन कोड, तो गेट अ कूपन कोड में क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कूपन कोड जो अप्लाई करना है SJF टेस्ट, TEST टेस्ट, यहां पर डाल करके दोस्तों यहां पर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई कर दीजिएगा तो यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर 00 हो गया, यानी आपका ये टेस्ट फ्री हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां अनलॉक दिस पैकेज करके आप टेस्ट को दे सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया दोस्तों एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हाइट, चेस्ट और रनिंग, यही 3 चीज जरूरत है फिजिकल में। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर लॉन्ग जंप भी होगा क्या, हाई जंप भी होगा क्या, गोला फेंक होगा क्या, तो ये सब कुछ नहीं होगा। झारखंड पुलिस में मेन आपका 3 चीज देखेगा, एक तो हाइट, दूसरा चेस्ट और तीसरा रनिंग, दौड़ होना होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी झंझट नहीं है। तो सबसे पहले हाइट देख लीजिए, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर दोस्तों मांगा है, काफी कम ऊंचाई मांगा है 160 सेंटीमीटर। कई जगह बहुत सारे फोर्सेस में 168 भी मांगता है, ठीक है। जैसे यूपी पुलिस अभी देखो वहां पर ज्यादा हाइट मांगा है, लेकिन यहां पर 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा है दोस्तों झारखंड पुलिस में सभी का, ठीक है। लेकिन SC ST यदि आप हैं तो 155 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि सर हम बिहार के SC ST हैं तो क्या मेरा 155 चलेगा? नहीं चलेगा, झारखंड का SC ST होना चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट के यहां फॉर्म भरोगे झारखंड में तो आप जनरल में आओगे तो आपका 160 जरूरी है, ठीक है। SC ST आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड राज्य के मूल निवासी है। तो झारखंड के SC ST को 155 सेंटीमीटर, सभी महिलाओं का 148 सेंटीमीटर आपका हाइट का यहां पर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चेस्ट की बात कर लेंगे दोस्तों, आपका छाती कितना होना चाहिए तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहां पर मांगा है, ठीक है। SC ST की बात करेंगे तो 79 सेंटीमीटर आपका यहां पर SC ST का चेस्ट होना चाहिए, फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। रनिंग की बात करेंगे, दौड़ कितना होगा तो ध्यान से समझिए, 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को। आप जनरल है, BC1 है, BC2 है, EWS है, कुछ भी है, SC ST है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, टाइम मिलेगा 1 घंटा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा सभी महिलाओं को, इनको टाइम मिलेगा आधा घंटा, यानी 30 मिनट महिलाओं का दोस्तों यहां पर टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग सवाल पूछ रहेंगे कि सर फिजिकल इसका कब कंडक्ट किया जाएगा, तो ध्यान से देखिए, लेकिन दोस्तों यहां पर भी समझना जरूरी है, नया सिलेबस नया पैटर्न इस बार चेंज हुआ है तो उसको भी समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल डेट के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा फिजिकल डेट इसका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए अभी क्या हो रहा है, 15 जनवरी से फॉर्म चालू होगा, चलेगा 14 फरवरी तक, ठीक है, और यहां पर 22 फरवरी तक तो करेक्शन होगा। और JSSC क्या करती है दोस्तों कि कोई भी वैकेंसी निकलता है झारखंड में, आपने देखा ही होगा,
तो 10 दिन 15 दिन कभी कभी 20 दिन भी और डेट को बढ़ा देती है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और हर वैकेंसी में यही होता है, तो इसमें भी ज़्यादातर उम्मीद है कि फॉर्म भरने का डेट जो है 10 दिन 15 दिन बढ़ा भी सकता है। तो पूरा का पूरा दोस्तों जनवरी फॉर्म भराएगा, पूरा फरवरी फॉर्म भराएगा, कहने का मतलब आधा मार्च तक आपका केवल फॉर्म ही भराएगा, ठीक है, आधा मार्च तक फॉर्म भराएगा। इसके बाद दोस्तों जितना भी फॉर्म फिलअप होगा उसका स्क्रूटनी होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट भी होगा, इसलिए बोलते हैं बढ़िया से फॉर्म भरना, किसी का सिग्नेचर अपलोड में गलती हो जाएगा, किसी का कुछ गलती हो जाएगा, तो रिजेक्शन लिस्ट भी आएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब सारा प्रोसेस होगा, इसके बाद फिजिकल का एडमिट कार्ड बनाएगा, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस में दोस्तों लगभग कम से कम 2 महीना का टाइम तो जरूर लेगा, ठीक है, 2 मंथ तो टाइम आपका लेगा ही लेगा। तो मार्च से 2 महीना आप जोड़ दीजिए, ठीक है, मार्च को छोड़ दो, अप्रैल मई, ठीक है। तो मई के बाद दोस्तों आपका रनिंग कभी भी होगा, मई में भी हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड हम आपको डेट बता रहे हैं फिजिकल का, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर फिजिकल का प्लेस क्या होगा, फिजिकल आपका होगा कहाँ, तो देखो भाई फिजिकल आपका कहाँ होगा, तो इसका फिजिकल रांची में हो सकता है, हजारीबाग में हो सकता है, या फिर दोस्तों दुमका में हो सकता है। तो झारखंड पुलिस का पास्ट में जितना भी रनिंग वगैरह हुआ है, जैसे झारखंड दरोगा का जो दौड़ हुआ या फिर झारखंड पुलिस 2015 में जो दौड़ हुआ था, तो उन सारे जगहों में आपका दौड़ हो सकता है। झारखंड पुलिस के लिए जो भी कैपेबल ग्राउंड है जहाँ पर पूर्व में भर्तियाँ की गई हैं, ठीक है, या फिर झारखंड में जहाँ जहाँ आर्मी, आप लोगों को पता होगा कि आर्मी का रैली भी होता है, तो उन सारे जगहों में कहीं भी आपका रनिंग किया जा सकता है। इसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता कि रनिंग आप कहां पर होगा, ठीक है। तो प्लेस दोस्तों झारखंड ही रहेगा, झारखंड का जॉब है तो झारखंड में रनिंग होगा, तो इसके लिए आपको चिंता मत कीजिए, ठीक है। रनिंग के लिए आपके पास लगभग दोस्तों अभी टाइम है, 4-5 महीना दौड़ के लिए प्रैक्टिस करो एकदम जी जान लगा से, एकदम एग्जाम तक पहुंचो। सबसे पहला काम आपका है कि एग्जाम तक पहुंचिए, और एग्जाम तक पहुंच के क्या करोगे, वहां पर तैयारी करके रखोगे तब ना एग्जाम दोगे बढ़िया से। इसलिए सुबह दौड़ने के साथ साथ शाम में दौड़ो, इसके साथ साथ दिन भर अपनी फुल स्टडी करो, तैयारी करो, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका फिजिकल का हम आपको डेटा बताए, समझ में आ गया। अब जो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि नया सिलेबस और नया पैटर्न क्या है। देखिए नया सिलेबस प्लस नया पैटर्न, एक बात दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहेंगे कि आप लोग कितने विद्यार्थी हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना। पूरे साल भर आप लोगों को बढ़िया से हम समझा करके जो भी वैकेंसी निकलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे में, बैंक में, पुलिस में, झारखंड बिहार यूपी कहीं भी, सब का अपडेट दोस्तों हम चैनल पर बना के देंगे। तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर 14,000 सब्सक्राइबर है वहाँ भी, तो उसको भी ज्वाइन करना। वहाँ पर एक फ़ायदा क्या है कि सब वैकेंसी का PDF हम दे देंगे वहाँ, ठीक है। देखिए दोस्तों नया सिलेबस और नया पैटर्न क्या है, यहां पर कौन आएगा विद्यार्थी एग्जाम में, कौन बैठेगा, जो जो फिजिकल पास करके आएगा, ठीक है। यानी आपका इस प्रोसेस में दो दो एडमिट कार्ड जारी होगा, एक फिजिकल के लिए और फिर एक रिटर्न के लिए, ठीक है। तो देखिए इस पे 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि अलग अलग डेट में होगा क्या, नहीं, एक ही दिन आपका होगा, 2 पेपर होगा, सिंगल डे एग्जाम होगा, ठीक है। और दोनों पेपर आपका OMR में होगा, ठीक है, OMR में होगा, ऐसे गोल गोल करने वाला आपका एग्जाम देना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 क्या है, ये है क्षेत्रीय भाषा जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, और पेपर 2 जो है ये है सामान्य पेपर जो कि जनरल पेपर है, सबका एक होगा, लेकिन ये वाला सबका अलग अलग होगा। ये अलग कैसे होगा, ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या देना चाहोगे। तो देखिए पेपर 1 में जो है दोस्तों, यहाँ पर JSSC ने 13-14 भाषाओं को एनलिस्ट किया है, आप इन्हीं में से किसी एक को चुनिएगा, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, इस तरह से दोस्तों आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, सबका अलग अलग होगा। हम संथाली चुन लेंगे, आप संस्कृत चुन लीजिए, कोई खोटा चुन लेगा, कोई हिंदी चुनेगा, कोई अंग्रेजी चुनेगा, ये तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन ये वाला पेपर सबका कॉमन होगा, समझ में आ गया। और दोनों को जोड़ करके फाइनल आपका मेरिट बनेगा, दोनों का योगफल करके मेरिट बनाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 का पैटर्न समझिए, पेपर 1 का पैटर्न, इस पर 100 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का,
300 मार्क्स का आपका पेपर वन होगा, समय मिलेगा इस पे आपको 2 घंटा, नेगेटिव रहेगा 1/3 का। तो ये है पेपर वन का सिलेबस। और पेपर वन में कौन कौन सा भाषा है यहाँ पर हम बता दिए, इसी में से कोई एक भाषा आप चुन लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों पेपर टू का पैटर्न देखिए, पेपर टू में आपका 2 भाग है, ठीक है, भाग क और भाग ख। भाग क में हिंदी से अकेले है 50 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, और भाग ख में दोस्तों जीके और मैथ। हालांकि यहाँ पर रीजनिंग से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैथ दोस्तों वहां पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन पूछेगा, तो 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी हो सकता है आपको इस पे देखने को मिलेगा। तो जीके से 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 और 25, 75 और 25, 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पेपर टू में यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 300 अंक का आपका हो गया पेपर टू। समय मिलेगा यानी टाइम 2 घंटा मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का इस पे भी है। 3 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, 1 क्वेश्चन को सही करोगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है पेपर टू का सिलेबस, समझ में आ गया। दोनों में माइनस मार्किंग है, दोनों में 2-2 घंटे टाइम मिलेगा, दोनों 100-100 क्वेश्चन का है, दोनों में 300 मार्क्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये है पेपर वन और ये है पेपर टू। तो दोनों का हम आपको पैटर्न यहां पर बता दिए। आपका जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगा दोस्तों, वो पेपर वन प्लस पेपर टू जोड़ करके आपका फाइनल कट ऑफ यहां पर बनाएगा, और जो जो विद्यार्थी कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनका दोस्तों यहां पर झारखंड पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है नया सिलेबस। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से बढ़िया से मैंने समझा दिया है। यदि आपको मेरे समझाने का ढंग पसंद आता है तो दोस्तों आप मेरे बारे में कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है, कैसा आपका रिएक्शन रहता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फाइनली हमारा फैमिली 400K कंप्लीट हो चुका है, तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन लिख सकते हो एक दूसरे को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।